दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रवीश कुमार के बारे में। रवीश कुमार ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से ऐसा मुकाम स्थापित कर दिया है जो गोदी मीडिया सात जन्म में नहीं कर सकती, जो अंधभक्त सात जन्म में नहीं कर सकते। पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार वो नाम है जिसके पीछे सरकार पड़ी रहती है, जिसके पीछे सरकारी तंत्र पड़े रहते हैं, जिसको ट्रोल किया जाता है, जिसके कमेंट बॉक्स में आकर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, जिसको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। जो पत्रकार एनडीटीवी में रहा, एनडीटीवी में प्राइम टाइम का शो करते हुए करोड़ों दर्शकों की पहचान बना, करोड़ों लोगों की आवाज को उठाया, जिस वक्त में बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं होती, उस वक्त में रवीश कुमार ने अपने आप को अकेला स्तंभ मानकर खड़ा किया। इसके चक्कर में जब रवीश कुमार को खुद नहीं खरीद पाए तो ऐसा कहा जाता है मीडिया को भी खरीद लिया गया। मीडिया मतलब एनडीटीवी। जो रवीश कुमार एनडीटीवी में काम करते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे, उस एनडीटीवी में इस समय नफरती एंकर जो नफरत फैलाती हैं, रूबिका लियाकत पहुंच चुकी हैं। और रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा काम किया है जो गोदी मीडिया नहीं कर पाएगी। रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल के कमाई के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल मैंने ओपन कर दिया है। 80 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं अकेले दम पर। कोई मीडिया नहीं है इनके पीछे, कोई रिपोर्टर नहीं है इनके पीछे, कोई भी सरकारी तंत्र नहीं है इनके पीछे। 80 लाख सब्सक्राइबर इन्होंने खड़ा कर दिया है और इन्होंने अपने चैनल पर लिखा हुआ है मेरा आधिकारिक यूट्यूब चैनल है, मैं किसी चैनल से अपनी तुलना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनके पास बड़ा बड़ा मीडिया वैन होता है, घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं रवीश कुमार क्या कहते हैं। रवीश कुमार का लगभग 1 करोड़ व्यूज होने वाला है जब इन्होंने 1 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्थापित किया। रवीश कुमार की जो वीडियो आती हैं 370 पर विपक्ष चुप क्यों हो जाता है। जो लोग कहते हैं विपक्ष कभी सवाल नहीं पूछते, विपक्ष को कभी दायरे में नहीं खड़ा करते, वो लोग भी देख लें। गया राज शिवराज का मोहन को मिला मुकुट, देख सकते हैं मिलियन मिलियन व्यू। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो के नीचे आएंगे और कहेंगे तुम भी चाइना के एजेंट हो, चाइना के एजेंट हैं भैया लोग, तो जांच करवा लीजिए हमारी भी और रवीश कुमार की भी। ध्यान दे सकते हैं रवीश कुमार की वीडियो हिंदुस्तान में देखी जाती है, कोने कोने में देखी जाती है, करोड़ों लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं इनके चैनल पर जो वीडियो आती हैं उनका थंबनेल देख सकते हैं, क्या हार्ट अटैक से बढ़ गया, लोकसभा से निकाली गई महुआ, क्या नेशनल लेवल पर रेवड़ी बटेगी, शिवराज ने मोदी को हराया, कमलनाथ ने राहुल को, मिलियन मिलियन व्यूज़, एक एक दो दो तीन तीन मिलियन व्यूज़ आते हैं। ऐसे नहीं आते हैं, बाबा राम रहीम पर कितना गोदी मीडिया ने वीडियो चलाया जिनको 6-6 महीने की पैरोल दे दी जाती है, बताइए इस पर कोई देखे होंगे आप। कपिल धोनी को और कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया गया विश्व कप के फाइनल में, इस पर रवीश कुमार ने वीडियो बनाया। बाबा रामदेव के पतंजलि पर जो मामला उठा था उस पर रवीश कुमार ने वीडियो बनाया। अब आपको मैं आगे ले चलता हूं रवीश कुमार के द्वारा अपने YouTube चैनल से कमाई कितना की जाती है। कमाई मेहनत से की जाती है, कमाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, मैं ओपन करके एक एक दिन की लाइव इनकम मैं आपको दिखा रहा हूं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने का, देख सकते हैं चैनल है भैया 2022 में क्रिएट होता है चैनल, न्यूज टाइप है। इंडिया में जितने भी न्यूज चैनल है जिनके पास करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट है, 68 नंबर के अंदर आता है इनका यूट्यूब चैनल अकेले अपने दम पे। इनके चैनल पे दूसरे तीसरे आदमी की वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगी, अकेले दम पे 68 नंबर के अंदर आ गए हैं। बी प्लस कैटेगरी है, पूरे कंट्री में जितने भी चैनल ग्रो कर रहे हैं 281वें नंबर पे आए। वीडियो में रैंक देख सकते हैं, सब कुछ प्लस में है। और अब यहाँ देख सकते हैं हर महीना 50 मिलियन लोग इनकी वीडियो देखते हैं और रवीश कुमार की वीडियो में 17% की गिरावट भी दर्ज की गई है किसी ना किसी कारण से। महीने की कमाई बताते हैं, अनुमानित कमाई है, अनुमानित कमाई में आप
देख सकते हैं $12,700 एक महीने की। आपको ध्यान देना है $12,700 अगर आप गूगल पे डालेंगे, 83 रुपया मान लीजिए, 10,54,000 एक महीने की न्यूनतम कमाई की बात मैं कर रहा हूँ। 10,00,000 रुपया कम नहीं होता। NDTV में जब काम करते थे तो 2.5 करोड़ रुपया एक साल में इनको मिलता था। यहाँ न्यूनतम की बात हो रही है, समझिए, यहाँ पर न्यूनतम की बात हो रही है। अधिकतम देखोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, अंधभक्तों के पैरों तले से जमीन नहीं समंदर चला आएगा। इसको देखेंगे 2,02,000, समझ सकते हैं, इसको करिए $2,02,000 एक महीने का, 83 रुपये से गुणा करेंगे 1,67,66,000 रुपया एक महीने की मैक्सिमम कमाई होती है। इनके यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन जो व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ के बारे में देख सकते हैं, इनके सब्सक्राइबर रोज 10,000, इनके रोज 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। एक एक दिन में व्यूज़ जो आते हैं, वीडियो व्यूज़ देख सकते हैं, एक एक वीडियो पे 15,92,000 और 45,43,000 एक एक दिन में इतने इतने व्यूज़ आते हैं। तो एक एक दिन में न्यूनतम डॉलर की बात करते हैं तो 322, 319, 429। बहुत सारे लोग कहते हैं फर्जी फाइट आप दिखा रहे हो, फर्जी फाइट नहीं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्रखर इंडिया, मोनेटाइज चैनल है, डुप्लीकेट चैनल नहीं है, अपने दम पे मैंने खड़ा किया है, चाहे प्रखर इंडिया देख सकते हैं, क्या है भैया प्रखर इंडिया हमारा चैनल, अगर आप देखेंगे इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हम ही, हमारी फ़ोटो लगी है, 432 वीडियो अपलोड है, ठीक है। एक महीने की कमाई $153 है, $153 का मतलब होता है 153 का गुणा 83 से करते हैं, 12,000 से 13,000 रुपया हम भी महीने का कमा लेते हैं। अधिकतम छोड़ दीजिए, अधिकतम मत जाइए। और एक एक दिन की कमाई देखो कितना कितना आ रही है, एक एक दिन में $30, $21, $6, $1, $1, $12, $17, $5। आप देख सकते हैं ये भी हमारा यूट्यूब चैनल है, ग्रोइंग लगातार इस पर जारी है। एक महीने में कितना लोग व्यूज़ देख रहे हैं, 6,13,000 लोग एक महीने में हमारी वीडियो को भी देखते हैं। और कितने सब्सक्राइबर हैं इस पर भैया, इस पर सब्सक्राइबर 9,600 कुछ हो चुके हैं और आने वाले समय में सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और आप में से किसी भी लोग को अगर वीडियो के जरिए पैसा कमाना है तो हमारे चैनल में आइए, कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करिए, अपना नाम दर्ज करिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सिखा सकता हूँ। आप किसी का भी चैनल देखना चाहें तो यहाँ पर अपना नाम डालिए, सोशल ब्लेड साइट है, अनुमानित इनकम में कमी भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है। और इनके चैनल पे ज्वाइन बटन भी है, बहुत सारे लोग ज्वाइन जो लिखा रहता है ज्वाइन पर क्लिक करके लोग इनको 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 10 क्या 29 रुपया, 39 रुपया, 99 रुपया लोग मदद भी करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य लोगों को मोटिवेट करना है, रवीश कुमार जैसे शख्स आप भी बनिए। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे पाकिस्तान वाले देखते हैं, पाकिस्तान वाले रवीश कुमार को काहे देखेंगे, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान वाले काहे देखेंगे बताइए, उनके पास कोनो काम धाम नहीं है क्या कि इंडिया के बारे में ये रवीश कुमार ही देखते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे कमेंट ना करिए, ज़्यादातर अंधभक्त लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, अंधभक्त हमारी वीडियो ना देखें।